अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी शेफ़ एसएन जे एक और मज़ेदार केक लेके हाजिर हुई हूँ। और ये बहुत इजीली देखें, आपके सामने चीज़ें रखी हैं जो बहुत इजीली घर में ही होती हैं, तो आप लोगों को इसमें बनाते हुए कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती पड़ेगी कि हमको ये चीज़ अवेलेबल नहीं है या वो नहीं है। तो सब चीज़ें घर के अंदर से ही निकल आती हैं। तो चलते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। ये है डार्क चॉकलेट केक, तो इस हिसाब से मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ तो आपको जहन में रहे। तो सबसे पहले ये दो अंडे हैं और ये दोनों अंडे मैंने तोड़ लिए हैं, ये रूम टेम्परेचर पे के अंडे हैं। इसके अलावा मैदा है, ये ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा जो आम हम मैदा इस्तेमाल करते हैं वो है। ये 2.25 कप है, यानी 1 कप एंड 3/4 कप। ठीक है, शुगर है 2 कप। ये बटर मिल्क है, बटर मिल्क कैसे बनता है ये मैं अभी आपको बता दूंगी। बाज़ार में भी मिल जाता है अब, लेकिन ये मैं आपको घर में बनाने की तरकीबें भी बताती हूँ। कॉफ़ी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, यानी आप नॉर्मली 1 टीस्पून में 1 कप बनाते हैं, तो इसके लिए जब आप बनाएं तो 2 टीस्पून कॉफ़ी में 1 कप बनेगा। ऑयल है 1/2 कप। ये कोको पाउडर है, और ये कोको पाउडर मैंने इसीलिए इस तरतीब में रखा है कि आप लोगों को समझ में आ सके। ये 1/2 कप है और ये 1/4 कप है, यानी ये 1.25 कप है, ये पूरा 1 कप नहीं है, कप में चौथाई कम है। वनीला एसेंस है, बेकिंग सोडा है 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून। तो चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। नाज़रीन, ये देखिए, सबसे पहले हमको जो प्रोसेस करना है वो ये है कि हमने तमाम चीज़ें मैदे के साथ छान लेनी है। तो हम सब चीज़ों को इसमें डाल के और छानेंगे। छानने की वजह ये भी होती है कि ये इसमें से बबल्स निकल जाएं, कोई एयर क्लॉट या कुछ ऐसा हो तो वो आराम से इसमें से निकल जाए। देखिए, सब चीज़ें हमने अपनी छन्नी में जमा कर ली और अब हम इसको देखिए। एक चीज़ केक बनाते वक्त टिप है कि आप जो है इसको जिस भी पैन में इसको बाउल में मिक्स करते हैं वो ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये थोड़े से लम्स रहते हैं इसमें, और ये हम जो है इसको क्लियर करके आपको दिखाते हैं। जी देखिए, ये मैंने तमाम चीज़ें मिक्स कर ली ड्राई, और अब मैं इसमें शुगर भी मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, बहुत इजी मेथड है इसका। बस एक तो केक में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है उसकी मेजरमेंट है, और आप मेजरमेंट का बहुत ख्याल रखें। इसकी हम को बीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बाकी चीज़ों का मैं जाने से पहले बटर मिल्क का बता दूं। बटर मिल्क बनाना बहुत इजी है। आप सिंपली 1 कप फुल क्रीम मिल्क लें, हल्का बिल्कुल माइल्ड सा गर्म हो, उसमें 1 टेबल स्पून आप विनेगर डाल के इसको एक तरफ रख दें, आपका बटर मिल्क तैयार है। तो चलें आगे का प्रोसेस करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम ये जितनी लिक्विड चीज़ें हैं वो इसमें शामिल करेंगे। ये वनीला एसेंस गया हमारा, ये ऑयल चला गया, ये बटर मिल्क गया, मैं कॉफ़ी थोड़ा आखिर में डालूंगी, इससे पहले मैं अंडे शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे पहले हल्के हल्के इससे मिक्स करूँगी, फिर मैं इस पर बीटर चलाऊँगी।
ये देखिए नाजरीन, ये मिक्स हो गया और ये काफ़ी पतला है क्योंकि हमने इसमें जो कॉफ़ी डाली है 1 कप, तो उससे काफ़ी पतला है। तो परेशान मत होइएगा, ये इतना ही पतला होता है जी। नाजरीन ये देखिए, मेरे पास ये 9x13 के 2 पैन हैं। मैं उनमें ऐसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। मैंने इसमें नीचे बटर पेपर लगाया है और चारों तरफ जो है उसको ग्रीस कर लिया है दोनों पैंस को। अब मैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। ये तकरीबन 1 घंटा लेगा आपका केक बेक होने में। परेशान नहीं होइएगा, हो सकता है ज़्यादा ले लें। ओवन को हम ऑलरेडी प्री हीट कर चुके हैं 180 सेंटीग्रेड पे। आप एक पैन में भी बना सकते हैं, परेशान ना हो। अगर आपके पास 2 पैन नहीं है तो आप उसको एक पैन से भी कर सकते हैं। और वही तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमेशा इसको टैप करें ताकि इसमें कोई बबल्स हो तो वो निकल जाए। अब हम इसको ओवन में रखते हैं। जी नाजरीन ये देखिए, हमारे डार्क चॉकलेट केक तैयार है और ये डार्क है रियली, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें टूथपिक डाली और आपको दिखाने के लिए, ये पूरी तरह हर तरफ से पक गया है। ये देखिए इसकी चेकिंग ही इस तरह होती है। ये वाले केक में भी का जो दूसरा पार्ट है, हर तरह से आप ये देखें हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ निकल रही है। अब इस केक को आप, मतलब अगर आपको कोई ओकेजन ऐसा है जिसमें आपको कोई डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं, तो आप इसे एक सिंगल केक भी बना सकती हैं और इसको ब्राउनी के तौर पे इस तरह पेश कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर डेकोरेशन करनी है तो ये अप टू यू है। मैंने आपको गनाश भी बनाना सिखाया है, मेरे चैनल पे मौजूद है गनाश की रेसिपी। मैंने आपको विप क्रीम भी सिखाई है। गनाश चॉकलेट फ्रॉस्टिंग होती है जो हम ऊपर से टॉपिंग या बीच में भी आप लेयर दे सकते हैं। इसी तरह आज मैं ये इसमें बटर स्कॉच यूज़ करूँगी और ये बहुत टेस्टी होता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसकी कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं होती, अप टू यू, जो मर्ज़ी है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये चॉकलेट राइस हैं, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ अपने इसमें। ये देखें चावलों की तरह के दाने दाने से होते हैं ये चॉकलेट के, इसलिए चॉकलेट राइस कहलाते हैं। किसी भी अच्छी सुपर मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो मैं अपने तौर पर इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। थोड़ी सी मेरे पास विप क्रीम है, जो विप क्रीम भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और इसमें मैंने थोड़ी सी एक 2-3 टेबल स्पून कॉफ़ी मिक्स की है क्योंकि हमने इसमें कॉफ़ी मिक्स की थी, तो मैं थोड़ा सा इसमें कॉफ़ी फ्लेवर देना चाह रही थी। तो ये इसी, अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें, लेकिन अगर बीच में आप इसकी लेयर देते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। थोड़ी सी मैं इस पे विप क्रीम थोड़ी सी डाल के, और इसको विप क्रीम की भी रेसिपी जो है आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी। देखें हम इस पे थोड़ा सा ये गनाश, ठीक है, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है ये देखिए ये, और ये बटर स्कॉच, ये भी मैं इसमें यूं करके बीच में, इसके ऊपर जब मैं दूसरा केक रखूंगी तो ये खुद लेवल कर लेगा। हम इसमें कोई फ्रूट यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, अभी जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये ठंडा होके सब सेट हो जाएगा।